आए थे सारा शहर, आज हो गई अबे रब दी मैं हाय। Hi everyone, welcome and welcome back to my channel, it's Sheetal. In today's video, we are going to achieve this look. और ये look ना सिर्फ 8 से 10 मिनट में आप लोगों का achieve हो जाएगा for festive season. अगर आप लोग festive season में like अब नवरात्रे आएंगे, आप लोग already पता है नवरात्रे में ना गरबा nights वगैरह होती है, उसमें ना आप लोग बहुत ज़्यादा heavy makeup wear करके नहीं जा सकते, just because वहाँ dance वगैरह होगा, आपका makeup melt हो जाएगा and वो बहुत ज़्यादा की लगता है, बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा. इसलिए है ना सिंपल और सटल एंड गुड लुकिंग मेकअप ही आप लोगों को ट्राई करना चाहिए. और इस मेकअप में ना इतने ज़्यादा स्टेप्स नहीं है कि आप लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, लाइक कोई भी जो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेप्स डाल देते हैं, फिर उसे अचीव करने में लाइक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. और इस मेकअप को मैंने कम से कम मैंने जो बनाया तो मेरे को आधा घंटा लग गया, क्योंकि मेरे को वीडियो भी बनानी पड़ी थी इस वजह से. वैसे तो ये है ना 10 से 15 मिनट में आई गेस ये पूरा मेकअप हो जाएगा. मैंने ये भी जल्दी बताया, अगर आप सिर्फ मेकअप कर रहे हो, कुछ वीडियो शीडियो नहीं बना रहे हो, तो आप लोग सिर्फ मेकअप करोगे ना, मैं तो कह रही हूँ कि मैं कर लूँगी 8 से 10 मिनट के अंदर मैं ये वाला लुक अचीव कर लूँगी विदाउट एनी वीडियोग्राफी. लाइक मैं अगर कोई वीडियोग्राफी नहीं करूंगी तो ये 8 से 10 मिनट में मेरा अचीव हो जाएगा. इवन अगर आपको किसी शादी में जाना है या किसी वेडिंग फंक्शन में आपको अटेंड करने जाना है, एज अ गेस्ट आप जा रहे हैं, तो आप लोग ये वाला मेकअप करके जा सकते हैं, क्योंकि एज अ गेस्ट जा रहे हो यार, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप तो नहीं करके जाओगे. इस वजह से आप कोई भी ये वाला मेकअप कर लीजिए, अच्छी सी एथनिक क्लॉथ वियर कर लीजिए. लाइक आई वियर दिस सिंपल कुर्ती है, इतनी सिंपल तो तब भी शादी में तो कोई पहन के नहीं जाता है, तो कोई भी एथनिक वियर अच्छा सा आप वो वियर कर लीजिए एंड अच्छे से हेयर स्टाइल कर लीजिए, देन यू आर गुड टू गो एंड यू आर लुकिंग गॉर्जियस. मैं सच्ची बता रही हूँ कि आपको 2-3 कमेंट्स तो आ जाएंगे यू आर लुकिंग नाइस. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई हैव टू थैंक्स पूनम फॉर कमेंटिंग ऑन माई वीडियो. एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल तो हाई, आई एम शीतल, आई मेक अ वीडियो ऑन फैशन ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल. आई होप यू गाइज इंजॉयड, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट इट. सो गाइज राइट नाउ आई एम अप्लाइंग अ स्विस ब्यूटी का प्राइमर. एंड कभी भी आप मेकअप करते हो ना, उससे पहले आपकी स्किन का जो स्किन केयर होता है फेस का, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए. जस्ट बिकॉज आपका ना अगर स्किन केयर अच्छा होता है तो आपकी स्किन काफ़ी ग्लोइंग होती है, हेल्दी होती है, जिससे आप जितना भी मेकअप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके फेस पे सेट अच्छे से हो जाएगा एंड उसके बाद उसका लुक ना अमेजिंग आएगा. तो बाय द वे मेरे को ना आज अपना फेस काफ़ी ग्लोइंग लग रहा है, जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग अ प्री ब्राइडल फेशियल बिफोर दिस मेकअप, बिकॉज बाद में पता लग जाएगा क्यों. एंड अगर आप लोग भी सेम फेशियल करना चाहते हो अपने घर पे, तो आप लोग वो वाला मैं आप लोगों को लिंक ऑलरेडी एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल पे चेकआउट करेंगे इसके पहले वाली वीडियो, वो सेम ही वीडियो है, लाइक प्री ब्राइडल फेशियल की वीडियो है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. देन मैंने ये है ना अपनी आईलिड पे जो लगाया है कंसीलर लगाया, ये स्टिक वाला कंसीलर है पर्पल का, एंड दिस कंसीलर रियली अमेजिंग, दिस वर्क्स फॉर मी लाइक वाओ, बिकॉज मेरे को इसलिए स्टिक कंसीलर पसंद है, आईज वगैरह पर अच्छे से एप्लीकेशन हो जाते हैं एंड ज़्यादा टंटे नहीं होते. उसके बाद आईब्रोज करिए, आईब्रोज हमेशा आप लोगों को ना मतलब आप लोगों को अगर एकदम ज़्यादा भरी भरी जो बूसी बूसी आईज होती हैं वो अच्छी लगती है तो ठीक है आप लोग कर सकते हो, लेकिन मेरे को ना ओवर फिल्ड आईज आईब्रोज ना कभी भी नहीं अच्छी लगती, लाइक बहुत ज़्यादा किसी किसी के ना अलग से लाइन ही दिख रही होती है, लाइक वो वाली तो बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है. तो मेरे को ना ये नेचुरल आईब्रोज बहुत ज़्यादा पसंद है, कि जो नेचुरल लगे, ज़्यादा ऐसी नहीं ना लगे कि बहुत ज़्यादा ओवर फिल्ड टाइप है. देन मैंने ये ना ब्राउन आई शेडो लिया है, उसे लेफ्ट राइट करके अपनी क्रीज पे लगाया है एंड उसे अच्छे से अपनी क्रीज पे मतलब मर्ज कराए, अच्छे से अपनी क्रीज पे उसे ब्लेंड कराए. देन इसके बाद मैं ये मतलब दोनों आईज पे एक साथ करती जा रही थी, जस्ट बिकॉज ये यार कोई कन्फ्यूजन ना हो. मैं बहुत टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत ना दोनों आईज का डिफरेंट डिफरेंट दिखने लग जाता है आई लुक, एंड
इसलिए अब तो काफी प्रैक्टिस हो गया, लाइक बहुत टाइम से अब मेकअप वगैरह बहुत ज्यादा कर रही हूँ, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ मैं इन सब चीजों की। एंड क्योंकि अब मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, पता नहीं क्यों डे बाई डे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है लाइक मेकअप पे, तो ओह माय गॉड बहुत ज्यादा। एंड आफ्टर दैट आई एम अप्लाइंग पिंक आई शैडो, एंड क्योंकि वो मेरी कुर्ती से मैच कर रही थी दैट्स वाई, एंड उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। यही होता है कि अगर आप कोई भी आई शेडो ले रहे हो ना, उसे अच्छे से ब्लेंड नहीं करते हो, तो उसमें है ना लाइन्स पड़ जाती है ना, वो बहुत अजीब सी वियर्ड सी लगती है, लाइक वो ना पूरा लुक आता नहीं है। तो आप कभी भी आई शेडो वगैरह यूज़ करते हो ना, तो उसे अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लाइक बहुत ज़्यादा। तो आप ना ब्लेंड हमेशा कर लिया करो बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा सिमर पार्टिकल लगाया, एंड उससे क्या होगा कि सारा अच्छे से एनहांस हो गई आईज मेरी। देन मैंने कर्ल्ड करी अपनी आई लैसेस को, थोड़ा सा पफी लगे, थोड़ा अच्छा लगे आईज, थोड़ी ऊपर ऊपर लगे, काफ़ी प्यारी लगे, इस वजह से मैंने ये कर्ल करा। एंड इससे ना काफ़ी इफेक्ट तो आता है, लेकिन फिर भी मेरे को फेक लैसेस, लाइक आई लव द फेक लैसेस, क्योंकि वो इतना डिफरेंट लुक कर देती है। लुक एट दिस, मैंने अभी अप्लाई कर लिया है फेक लैसेस को, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट करता है। एंड इसके बाद मैंने लगाया ये वाला फाउंडेशन बेस मेकअप के लिए, एंड फाउंडेशन, दिस फाउंडेशन रियली मैच माई स्किन टोन, एंड ये 310 है। अगर आप लोग भी मेरे स्किन टोन पे बिलोंग करते हो, तो आप परफिट मी का 310 फाउंडेशन ले सकते हो, इट्स रियली नाइस, एंड काफ़ी अच्छी शेयर कवरेज है। एंड बजट में लाइक 500 प्लस का तो है ही, तो उतने का ही मिलेगा, आई थिंक डिस्काउंट में आपको 400 समथिंग का मिल जाएगा। एंड दिस इज़ रियली नाइस फाउंडेशन आई गेस। एंड इसके बाद ये पर्पल का पर्पल का कंसीलर है। मैं हमेशा कंसीलर, आप लोगों ने देखा होगा, आईज़ का ऐसे करके ही करती हूँ, क्योंकि वो जितना भी आई साइड वगैरह अगर आपका गलती से लग गया है, एकदम क्लीन लुक देता है उसको, दैट्स वाई। और जितने भी मेरे मतलब मेरे आईज पर, अंडर आईज पर थोड़े डार्कनेस वगैरह हो गए, उसको ऐड करने के लिए सब। देन ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है, मेबलिन की है ये, एंड दिस रियल लिपस्टिक वर्क्स अमेजिंग, आप लिप्स पर लगा लो तब भी अच्छी लगेगी। एंड ये क्रीम बेस्ड लिपस्टिक है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छा तो करती है। एंड इसके बाद कॉन्टोर करा है हमने अपने पूरे फेस को, जॉ लाइन्स को कॉन्टोर करके, नोज को कॉन्टोर करके, देन उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आई गेस ये वाला, ये जो मैंने हैक्स लगाया ना लिपस्टिक एंड कॉन्टोरिंग, तो मैं इसमें ना दो चीज़ करूँगी। लाइक अभी आप देख रहे हो मैं सारे क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, लाइक अभी मैंने ब्लश भी क्रीम बेस्ड लिया है, एंड कॉन्टोर जो कर रही हूँ मैं वो भी क्रीम बेस्ड कर रही हूँ। एंड इसके बाद जो करेंगे ना हम, वो पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट से करेंगे। दोनों का इतना सही कॉम्बिनेशन होता है कि पहले आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर लो, देन आप पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करो, काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा। एंड रियली आई लव द होल मेकअप लुक, बिकॉज मेरे को लगा है स्टार्टिंग में आप लोगों ने भी देख लिया कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। और ये ना कभी भी ना स्टार्टिंग में जब मेकअप करती थी ना, काफ़ी वियर्ड आता था, लाइक मैं मेकअप कर रही हूँ एंड रिजल्ट में इतना अजीब सा आ रहा है, बिकॉज मेरे को पता नहीं होता था, मैं चीज़ों को जितना भी प्रोडक्ट लगा रही हूँ उसे अच्छे से ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, कहीं कहीं ज़्यादा स्पॉट टाइप लगा रह गया, तो ये वाली चीज़ें होती थी स्टार्टिंग में, सबके साथ होती है आई गेस। थोड़ा प्रैक्टिस करते हो तो आप किसी मेकअप आर्टिस्ट से बेकार मेकअप नहीं करोगे, मैं लिटरली बता रही हूँ। मेकअप सीखना इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग मेरे को लगता है, अभी मैं इतनी प्रो नहीं हुई हूँ, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे तो आप प्रो भी हो जाओगे, मेरे को पर्सनली ये लगता है। इसके बाद मैंने ये पाउडर लिया और अपने अंडर आई पे एंड यहाँ पे अपने चिक बोन पे लगाया, बेकिंग करा जितना भी मैंने कंसीलर लगाया था उसको। इसके बाद जितना भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने अभी क्रीम बेस्ड यूज़ कर रही हूँ, अब पाउडर बेस्ड, तो ये अब मैं पाउडर बेस्ड ब्लश एंड कॉन्टोर लगा रही हूँ एंड उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे एकदम रहो ऐसे लाइन आनी चाहिए, अच्छे से कट हो जाना चाहिए कि हाँ इट्स लुक, एक कट एज इन इफेक्ट आना चाहिए, एकदम अलग डिफरेंट ना लगे, बस इफेक्ट आ जाए वैसा वाला। सो यस, एंड आफ्टर दैट आई एम रिमूविंग द पाउडर जो मैंने अपनी आईज के नीचे लगाया था, और अब मैं इस पाउडर से अपने पूरे फेस को, जहाँ जहाँ हमने प्रोडक्ट अप्लाई करा है उसको,
हम लोग सेट कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट मेकअप एंड पे आ गया है बिकॉज अब ये सेटिंग स्प्रे आप लोग देख रहे हो, ये मैंने 100 रुपीज चैलेंज के लिए ये वाली स्प्रे मंगाई थी, सेटिंग स्प्रे पर्पल से ही 100 रुपीज का फिक्सर है एंड इसका जो नोब है ना बहुत ज़्यादा टाइट है लिटरली, लेकिन इट्स वर्क नाइस, लाइक बहुत हाई एंड प्रोडक्ट की तरह ही काम कर रहा है एंड काफ़ी अच्छे से। एंड अभी डायरेक्टली मैं कभी भी सेटिंग स्प्रे नहीं करती, इससे डायरेक्ट सेट नहीं करती क्योंकि वो ना स्पॉट पड़ जाता है, अगर बहुत ज़्यादा कहीं ज़्यादा पड़ गया कहीं कम पड़ गया ऐसे करके स्पॉट पड़ जाता है, इसलिए हमेशा आप अगर सेट कर रहे हो मेकअप को तो आप इसी तरह से करना, लिटरली काफ़ी सही रिजल्ट आएगा। एंड थोड़ी देर इसे सूखने देते हैं, इसके बाद मैंने अपनी आईलैशेस पे हल्का सा मस्कारा लगाया थोड़ा इफेक्ट आने के लिए, इफेक्ट क्या मतलब वो ऑलरेडी सही था फिर भी मेरे को लगा कि थोड़ा अच्छा एनहांस हो जाएगा। एंड जो लोअर लैसेस थी आपने ऑलरेडी देखा होगा पिंक कलर मैंने यूज़ करा था अपनी आई शेडो में, तो सेम पिंक कलर से लोअर आई लैसेस पे उसे लगाया नीचे की साइड एंड उसे अच्छे से स्मच करा ब्लेंड करा। आप ना इस लुक में एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, लेकिन आप जैसे कि मैंने काजल नहीं ऐड करा है एंड ना ही मैंने आई लाइनर ऐड करा है क्योंकि ओवर रेटेड हो गया, पुराना हो गया बहुत सारा, आप लोग कम यूज़ करते हैं तो मैंने वो नहीं यूज़ करा। अगर आपको करना पसंद है आप वो दोनों चीज़ ऐड कर देना, लुक वो भी अच्छा आएगा। देन मैंने ये हाइलाइटर लगाया अपने नोज पे एंड आई कॉर्नर पे, आई कॉर्नर पे ना बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाई देता है मेरे को, पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एंड अपने चिक बोन्स पे, इन सारी जगह जो भी आपकी फेवरेट पार्ट है वहाँ पे हाईलाइट करने वाले पार्ट है वहाँ पे लगा लीजिए, इवन कोलर बोन पे भी लगा सकते हो हाइलाइटर, इट्स लुक नाइस। तो ऑलमोस्ट लुक कंप्लीट होने वाला है, लिपस्टिक देन ख़त्म। देखो लिपस्टिक मैं ना अभी आप लोग देखोगे कि मैं ना नॉर्मली रेड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, लाइक रेड लिपस्टिक एंड उसके ऊपर मैंने ना अपनी एक मैट लिपस्टिक है मैट मिसेस ब्यूटी की वो लगा दिया, उस भाई क्या इफेक्ट आया यार, ऐसे रेड लिपस्टिक के साथ कोई न्यू लिपस्टिक लगाते हैं ना काफ़ी ज़्यादा मस्त वाला इफेक्ट आता है। एक बार ट्राई करना आप लोग भी एंड कॉमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। फर्स्ट मैंने आउटलाइन करा है अपने लिप्स को अच्छे से, क्योंकि लिपस्टिक लगाने से पहले भाई आउटलाइन कर लो, क्योंकि मैं पहले ऐसे गलती करती थी, लगाई पप 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 ख़त्म ऐसी वाली गलती करती थी, लेकिन अब नहीं करती हूँ, अब पहले आउटलाइन करती हूँ अच्छे से देन लिपस्टिक लगाती हूँ, उसके बाद मैट लिपस्टिक लगाती हूँ, पूरा प्रोसेस अच्छे से पूरा फॉलो करती हूँ। लुक एट दिस, मैंने रेड लिपस्टिक लगा ली एंड देन मैंने ये वाली लिपस्टिक लगाई मैट मी स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक है, ये मैंने अमेजोन से मंगाई थी, आप लोग भी मंगा सकते हो, सर 150 समथिंग की है एंड द रिजल्ट इज हियर, वाओ आई लव दिस। एंड मैंने थोड़े से अपने बालों को स्ट्रेट करा एंड ये वाले इयर रिंग्स पहन लिया, और बालों को मैंने पूरे बालों को स्ट्रेट नहीं करा अपने हेयर्स को, सिर्फ आगे आगे से थोड़ा थोड़ा करा क्योंकि मेरे को ना अपने बाल नहीं खराब करने, मेरे को ज़्यादा हीट वाले अब ऑब्जेक्ट यूज़ ही नहीं करना अब मेरे को। तो ये मेरे इयररिंग्स है जो मैंने मीशो से लिए थे, दिस इज माय फाइनल लुक गाइस, आई होप यू गाइस लाइक इट एंड आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट आप लोग को ज्यादा अच्छा लगा, लाइक क्योंकि मैंने यहाँ पे दो तीन चीज डिफरेंट करी है, लाइक मैंने पहले क्रीम प्रोडक्ट लगाए थे आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ, कॉन्टोर लगाया एंड ब्लश लगाया, उसके बाद मैंने है ना पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट लगाया उसके ऊपर, दोबारा से ब्रॉन्जर कराया एंड उसके ऊपर पाउडर बेस्ड ब्लश लगाया, तो ये दो तीन चीज़ मैंने काफ़ी डिफरेंट करी है। एंड एट द एंड जब मैंने वो जो सेटिंग स्प्रे होता है वो मैंने अपने स्पॉन्ज पे मार के स्पॉन्ज पे स्प्रे करके देन उसे ऐसे डैप डैप करके अप्लाई करा, डायरेक्टली अपने फेस पे नहीं डाला, तो ये दो तीन चीज़ मैंने डिफरेंट करी है, एक बार ट्राई करना, आप लोगों को डिफरेंस तब पता लगेगा जब आप लोग अपने फेस पे उसे ट्राई करेंगे, मतलब वर्चुअली तो मैंने दिखा दिया एंड बोल दिया बट आप लोग जब तक ट्राई नहीं करेंगे इसको तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। एंड जरूर कमेंट करके बताना कि आपने ये वाला लुक ट्राई करा है, बिकॉज ये ना फेस्टिव सीजन के लिए काफ़ी अमेजिंग लुक है एंड ईजी है काफ़ी, इतना वैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक है यार कैसे होगा, ऐसा वाला नहीं है। एंड यस Before ending this video, I have to share something. Like आप लोगों ने already मैंने starting में दिखाया था like my skin is
ग्लोइंग। एंड वो क्यों हो रहा है, आप लोगों ने देखा है कि अगर आपकी स्किन अच्छा बिहेव नहीं करती, उसके ऊपर अगर हम मेकअप भी लगाते हो ना, वो ज़्यादा अजीब सा लगता है एंड मेकअप अच्छे से सेट नहीं हो पाता, और ये वाली चीज़ें होती हैं। बट मेरा स्किन कैसे ग्लो कर रहा है, बिकॉज आई एम डूइंग अ प्री ब्राइडल थिंग, लाइक मैंने अभी प्री ब्राइडल फेशियल करा है। वो क्यों करा है, ये सब मैं क्यों कर रही हूँ प्री ब्राइडल फेशियल वगैरह, वो आपको ना आगे की सीरीज में पता लग जाएगा। आप ना स्टार्टिंग से ये मेरी ब्राइडल सीरीज देख सकते हैं एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी एंड यू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। अगर आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगती है, लाइक करिए, शेयर करिए एंड अपना ख्याल रखिए। बाय, टाटा, टेक केयर।